अगर नई दुनिया के फाउंडेशन में ही जो सारी दुनिया का बीज है, बीज में अगर नहीं होगा तो जो बड़ा झाड़ बनेगा उसमें कहां से आ जाएगा? ये वैरायटी जा रहे हैं या सिंगल बीज का जा रहे? वैरायटी धार जी नाम का है, इसमें बीज रूपी तेज में हर धर्म के बीज बैठे हुए हैं, जिनमें कहीं न कहीं थोड़ा न बहुत परसेंटेज में और धर्मों के संस्कार छिलका अंक तक रहता है। जब आंख में वो लेख मात्र भी जंक खत्म हो जाएगा तो वो आत्मा रास्ता बताएगी है? ज्ञान सुना लेगी? नहीं सुना लेगी। वो आत्मा भी खत्म और उसका रास्ता भी खत्म हो जाएगा। धर्म पिताओं के बीच में भी, धर्मों के बीच में भी बोल दिया है, पहले पहले ये इतना नहीं तो मरे, पहले पहले विधर्मियों के बीच में आया कौन? जो पहले पहले आए हैं वो पहले पहले मरे। जब मरेंगे तो उनका रास्ता भी खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा ये विनाशी रास्ता है, ये भी अविनाशी रास्ता नहीं बताया। अंत में एक सेकंड के लिए ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी कि सच्चा एक है और बाकी ये सब सब झूठे। ये गॉड इज वन कहा जाता है, अंत मते सो गते। जो सारी दुनिया की बुद्धि में ये बैठा हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य एक है, वो कितने का संस्कार बैठा हुआ है? अंत समय का संस्कार है। एक सच्चा, बाकी सब सब झूठे। बल एक सेकंड के लिए हो, वो एक सेकंड भी अंत मटे तो बच्चे का फाउंडेशन डाल देगा। गंगा नदी इंद्र पर्वत से टकरा कर उत्तर दिशा में चल रहा है, वो इंद्र पर्वत इंद्र पर्वत इंद्र पार्वती इंद्र पर्वत से टक्कर के उत्तर दिशा में चल रहा है। गंगा वो गंगा के लिए नहीं बोला है, यमुना नदी जो है वो उत्तर दिशा से जब निकलती है तो डायरेक्ट दक्षिण की ओर चलती है। दक्षिण दिशा में कौन से धर्म का बात है? इस्लाम धर्म का बात है।
तो यमुना जो काली नदी है जिसकी तरफ दौड़ेगी, विदेशियों की हैड की तरफ दौड़ेगी या स्वदेशी सभ्यता की ओर दौड़ेगी? दक्षिण की ओर दौड़ेगी, दक्षिण भारत है, भारत का विदेश। परंतु जो चैतन्य नदी है यमुना, उसका गायन है, जरा नदी का गायन नहीं है। चैतन्य नदी जब विदेशियों की ओर दौड़ती है, उनकी बुद्धि को माने यमुना की बुद्धि को विदेशी बच्चे आकर्षित करते हैं, या उसकी यमुना की बुद्धि उन विदेशियों की ओर आकर्षित होती है तो कहां भागेगी? दक्षिण की ओर ही भागेगी। जैसे एडवांस के आज में सूर्य पुत्री यमुना कही गई है, पहले पहले प्रवाहित होती है, तो पूर्व की ओर भागती है या दक्षिण की ओर भागती है? यह है दक्षिणी हाथ, यह है उत्तरी। भक्ति मार्ग में कहते हैं दक्षिण दिशा की ओर पांव करके नहीं सोना चाहिए। कौन से पांव की बात है? बुद्ध रूपी पांव की बात है। रात में सोते समय अंतमते होती है, उस समय भूत प्रेतों की याद नहीं करना चाहिए। ये दक्षिण दिशा के हैं, एडवांस पार्टी जब शुरू हुई तो पहले पहले कौन सी नदी निकलती है? यमुना निकलती है। यमुना पहले पहले सरेंडर होती है, परंतु सरेंडर तो होती है लेकिन बुद्धि कहां भागती है? फिर विदेशियों की ओर। तो ज्यादा लंबे समय तक बाप का साथ नहीं दे सकती। जगदम्बा में और यमुना के पास में ये विशेष अंतर है। क्या? कि जगदम्बा लंबे समय तक मिलन मेला मनाती है बाप के साथ, संस्कारों का भी मेल करती है, पुरुषार्थ करती है। और यमुना आकर्षित हो जाती है, जो करना है वो नहीं कर पाती है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर दौड़ती है। फिर फंसेगी तो यह मुक्त होगी, फंस जाती है, बिंध जाती है, चारों तरफ से फंसा लेती है। वो भक्तिमान की आत्माएं है दक्षिण दिशा की, दक्षिण भारत के जो बाप को पहले पहले पहचानते तो है लेकिन पूरा पहचानते है या मुर्गे की तरह पहचानते है, मुर्गन स्वामी को मानते है। भारत कैसा बजाने वाले हैं, फॉलो किसको करते हैं,
भगवान को विशेष पहचानते हैं या भगवान के जो बच्चे गाए हैं गणेश और मुरुगन स्वामी उनको फॉलो करते हैं, तो उनका पार्ट ही ऐसा है कि बाप को नहीं पहचानते लेकिन बाप के जो बच्चे बनते हैं तो क्वालिटी के बच्चे, दे अभिमानी बाप के बच्चे या आत्माभिमानी जो सदैव है शिव के बच्चे दे अभिमानी बाप के बच्चे हैं जिनकी पूजा ही होती है द्वापर के याद में नहीं अंत में। जब कलयुग का आदि होता है तो गणेश की और हनुमान की पूजा होती है, जानवर जैसे स्वभाव संस्कार वाले हैं वो जल्दी अपने स्वभाव संस्कार को त्यागते नहीं है। जानवर स्वतंत्र रहने और स्वतंत्र रहने देने वाले का स्वभाव है या विपरीत स्वभाव है, वो न स्वतंत्र रहता है और न दूसरों को स्वतंत्र रहने देता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके प्रभाव में यमुना आ जाती है और बिंद जाती है, जो बिंदने वाला ऊंचा पार्ट है उसका नाम है पहाड़, कौन सा विंध्याचल पहाड़। अब उससे टकराएगी ऊंची तेज का पार्ट बजाने वाले के साथ, नदी टकराएगी तो मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी, कहां पहाड़ और कहां नदी। नदी तो माता है और पहाड़ माता है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। बच्चे में ज्यादा ताकत होती है या माता में ज्यादा ताकत होती है, बाप की सारी ताकत बच्चे में चली जाती है और माता भी मोहमयी होने के कारण सारी ताकत कहाँ चली जाती है, बच्चे में बिंध जाती है बुद्धि। ये बोला माताएं अगर मोह के ऊपर जीत पाले तो समझो उनकी विजय हो गई, पास हो गई। तो विंध्याचल पर्वत से टकराती है और टकराने के कारण मुड़ जाती है, या पीछे किसी की जबरदस्त टक्कर जब हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो फिर वो उससे मोह में फंसना चाहेगा या निकलना चाहेगा, निकल जाती, पूरब की ओर मुड़ जाती है। बुद्धि किधर मुड़ गई, पूरब की ओर मुड़ जाती है। भले वो आसुरी बच्चे कितना भी उसका पीछा करे, मेरी अम्मा मेरी अम्मा मेरी अम्मा मेरी अम्मा काली अम्मा काली अम्मा काली अम्मा, फिर भी उसकी बुद्धि उन बच्चों में लगेगी नहीं, कहाँ लगेगी, जो पूर्व दिशा है जहाँ से ज्ञान सूर्य उदय होता है, वह कितना भी दुख भोगती रहे कष्ट भोगती रहे तो भी बुद्धि पकड़ के रखती है। बुद्धि की पकड़ की निशानी है योग, वेद नॉलेज योग का फाउंडेशन है।
ब्राह्मणों की संगम युद्ध दुनिया में देशिक नॉलेज में जब राजयोग शिविर की फिल्म तैयार की गई तो उस फिल्म को फिल्माने वाले ने इसका फोटो जबरदस्त खींचा होगा है? योगी का खींचा होगा या भोगियों का खींचा होगा? योगी आत्मा आकर्षित करती है, वो चेहरा ही उस पुरानी फिल्म में दिखाई पड़ता है। बन बाद में जब एडवांस ज्ञान निकला तो बेसिक वालों ने वो राजयोग फिल्म क्या कर दी, खराब कर दी। उन्होंने समझा कि वो चेहरा भी फिल्म के खलास होने से खत्म हो जाएगा, परंतु किसी ने तो उसकी कापी अपने पास रखी होगी या नहीं रखी होगी, फिर टाइम पर निकल आवेगी, बात साबित हो जाएगी कि बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में वो योग युक्त चमचमाता हुआ चेहरा किसका दिखाई देता है। वो फाउंडेशन की बेला है, बाद में तो चार अवस्थाओं से सभी को पसार होना पड़ता है। तो प्रधान से तो सामान्य रजो और त्रिलास में कम हो जाती है। तो यमुना नदी भी पूरब की ओर मुड़ जाती है। बुद्धि की बात है या शरीर की बात है? बुद्धि की बात है। शरीर को तो वो भोगना भोग नहीं ही पड़े जो 63 जन्मों में बच्चों के साथ हिसाब किताब बनाया है। तो गंगा की बात नहीं है वो, और नारायण क्या होता है अरे वो कथा भी तो होनी चाहिए याद। अब कहा तो गया उसकी कथा भी कुछ होगी ना। अब भक्ति मार्ग में ही कथाएं हैं, पूरी कथा होगी तो उसका रहस्य भी विख्यात होगा। अधूरी बात नहीं पूछनी चाहिए। और वो तो बोलो बुद्धि की विशालता में, और जो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होते हैं उसमें क्या अंतर है? एडवांस पार्टी आगे है या बेसिक नॉलेज आगे है? एडवांस पार्टी बुद्धिमान बाप के बुद्धिमानों की पार्टी है, बुद्धि चलाने वाले बच्चों की पार्टी है। और ये भी के आज में बुद्धि के चलाने वालों की संख्या ज्यादा थी या भावनावादियों की संख्या ज्यादा थी? भावनावादियों की संख्या ज्यादा थी। दोनों को तीसरे नेत्र का साक्षात्कार हुआ था या बंद आंखों का साक्षात्कार हुआ था? वो भक्ति मार्ग का साक्षात्कार था।
जो पवित्र आत्माओं को होता है, ज्ञानी जो आत्माओं को वो साक्षात्कार नहीं होता है। ज्ञानी तो आत्मा को बाप विशेष पसंद करते हैं, आत्मा को भी पसंद करते हैं, लेकिन बाप विशेष नहीं। क्या दो बाप है वेद के, उनमें विशेष कौन है? और जैसे सब पार्ट बजाते हैं, वैसे ही पार्ट बजाने वाला सर्वसाधारण के बीच में एक है, सर्वसामान्य के बीच में पार्ट बजाने वाला तो एक है। विशेष बाप वो कौन है? शिव बाप, बाबा नहीं, शिव बाप है विशेष बाप। और बापों के बीच में विशेष तो है, लेकिन जैसे और आत्माएं बाप का पार्ट बजाती है, वैसे वो भी बाप का सामान्य रूप से ही पार्ट बजाने वाला है। तो दो बाप है, जो विशेष बाप है वो विशेष चीज देगा या सामान्य देगा, क्या देता है? जो सामान्य आत्माओं के बीच में सामान्य पार्ट बजाने वाला विशेष पार्टधारी है वो नहीं देता, लेकिन वो विशेष देता है। कौन? शिव बाप। क्या देता है? ज्ञान देता है। वो आत्मा क्या देती है? विशेष चीज देती है। कोई बुद्धि में बैठ जाता है नीचे वाला ही विशेष है, नहीं, विशेष तो वो है जो आकर के सिर्फ है ज्ञानी तो आत्माओं को उठाता है, ज्ञानी तो आत्माओं को पहले सुनाता है, समझाता है, संपन्न बनाता है। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष दिए है। भावनावादी उतने प्रवेश विशेष प्रिय नहीं है, जो तो भावनावादी है उनको बंद आंखों का साक्षात्कार होता है, और जो ज्ञानी जो आत्मा है उनको बंद आंखों का साक्षात्कार नहीं होता, वो तो बंद आंखों का साक्षात्कार को प्रेफरेंस भी नहीं देती, वो ज्ञान को प्रेफरेंस देती है जो बाप की प्रॉपर्टी है। तो एक है विशेष बाप की प्रॉपर्टी है और एक है उस बाप की प्रॉपर्टी जो सर्वसामान्य ऊंचे से ऊंचे ग्रेट फादर से है उनके बीच में विशेष पार्ट बजाने वाला पार्ट पार्ट जाए प्रजापिक तो अंतर पड़ जाता है। बहुत बहुत है क्योंकि वो उसकी चाबी एक बाप के हाथ में है। क्या? उस विशेष बाप के हाथ में ही उसकी चाबी है, साकार बाप के हाथ में उसकी चाबी नहीं है। साकार बाप भी जब तुलसीदास के रूप में पार्ट बजाता है उसको भी बंद आंखों का साक्षात्कार कौन कराता है? विशेष बाप ही कराता है। और जो जो बोला है
दूसरों को कहा जाता है, नहीं दुनिया नहीं जानती इस बात को, कहा जाता है माने दुनिया में कहा जाता है, दुनिया नहीं इस बात को जानती, तो बाप बताते हैं क्या कि जो भी पुरुष मात्र है वो सब दुर्योधन दुशासन है। बाप की बात कुछ बच्चों को तो गले ऊपर जाती है, उनको बच्चे पैदा नहीं होता है, क्योंकि अपने जीवन में प्रैक्टिकल जीवन में उतार के भी देखते हैं कि जब हम अकेला पाते हैं फीमेल को, समान आय वाली फीमेल को जब अकेला पाते हैं तो वृत्ति दृष्टि खराब हुए बगैर नहीं रह पाती, हम जोर जबरदस्ती करते जरूर हैं तो वो रियलाइज कर लेती है, इसलिए उनको प्रश्न पैदा नहीं होता। कुछ रहते हैं जो रियलाइज नहीं कर पाते, अभी रियलाइज नहीं कर पाते तो आगे चल करके ऐसा सामना ऐसा अवसर आएगा कि रियलाइज करना पड़ेगा क्या कि पुरुष वृत्ति दुर्योधन दुशासन है, कन्या माताओं में फिर भी लज्जा रहती है विकार भोगने के लिए। आपको प्रश्न क्या है? ये तो नए धर्म की बात आ गई। वो लोग कहते हैं भगवान ने सूरज बनाया, भगवान ने जमीन बनाई, भगवान ने चांद बनाए, भगवान ने सितारे बनाए। अरे स्त्री और पुरुष ये दो तरह की पैदाइश भगवान ने की है क्या? भगवान करता है, बहुत अच्छा ज्ञान है। अरे ये अनादि ब्रह्मा बना हुआ है कि भगवान बनाता है? तो अनादि ब्रह्मा बना हुआ है, ऐसे भी नहीं कि पुरुष व्यक्ति सदैव दुर्योधन दुशासन है, नहीं द्वापर युग से दुर्योधन दुशासन है, सतीपुत्रेता में दुर्योधन दुशासन नहीं होते, क्योंकि वहां सब आत्मा आत्मा भाई भाई होते, ये बात गलत है कि पुरुष शरीर सदैव ही दुर्योधन दुशासन है, नहीं सब दुर्योधन दुशासन है, सब दुष्ट युद्ध करने वाला दुर्योधन और दुष्ट शासन करने वाला दुशासन है। आज देखो सरकार देश देश की सरकार कितना प्रयत्न कर रही है, आप भारतवर्ष में भी देखने में आता है कि सरकार चाहती है कन्या माताएं भी पुरुषों के समान आगे बढ़े, उनको समान पदाधिकार होना चाहिए, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। भले कुर्सी पर बैठ जाती है, बैठने के बावजूद भी रबर स्टाम्प रहती है, सारा संचालन उनके भाई या पति लोग करते हैं, ऐसा क्यों है? क्यों है? क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों देह अभिमानी है, उनमें भी कन्याओं माताओं में देह अभिमान जास्ति होता है, क्या देह अभिमान जास्ति होता है, फिर भी देह की ओर आकर्षण होने के बावजूद भी काम विकारों को इतना तंग नहीं करता सबको, कोई कोई स्त्रियां होती है जो सुपन खा सूतना होती है, बाकी ज्यादातर तादाद कन्याओं माताओं की ऐसी है
जो विकारों के लिए पुरुषों को तंग नहीं करती है, खुशी ही ज्यादा तंग करती है। अभी करने के बाद अपने जीवन को भी तो देख लेना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। और धर्म में रहता है आपने शिवबाबा को देख लिया क्या? हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो शिव बाबा के लिए पूछ रहे हैं ना? जिस शिव बाबा के लिए आप पूछ रहे हैं उस शिव बाबा को जिसकी तरफ आप उंगली से इशारा कर रहे हैं आपने आंखों से देख लिया है, अंदर की आंखों से और बाहर की आंखों से देख लिया है, ज्ञान की आंखों से देख लिया है, बाहर की आंखों से अभी फिक्स नहीं किया है। क्या कि उसका नाम रूप देश काल एड्रेस यही है, दूसरा है ये अभी फिक्स नहीं किया। अब पूछने बुरा है नहीं पैर में क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा को जो खांसी होती थी उनके गले में क्या हुआ था? हार्ट में क्या हुआ था? बड़ा प्रश्न आता है। अरे भाग्यशाली रहते हैं तो ऐसा ऐसा क्यों होता है? अरे भाग्यशाली रहते हैं तो भाग्य जो है वो सुख भोगने से भाग्य कहा जाता है, और वो सुख मनसा के आधार पर भोगा जाता है या इंद्रियों के आधार पर भोगा जाता है? मनसा के आधार पर सुख भोगा जाता है। अगर मनसा ऐसी तेज बन जाए कि शरीर का कुछ भी होता रहे शरीर सड़ते ही जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी, तो शरीर भला कैसा भी हो जाए एक अष्टावक्र थे, देखने वालों की आंखें देखती थी ये आठ जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये ज्ञानी है या रावण है? रावण है। अष्टावक्र देखने वालों को अष्टावक्र दिखाई देता है क्योंकि आठ जगह से टूटा हुआ है। और वास्तव में वो ज्ञानी था या ज्ञानी है? शास्त्रों में ज्ञानी दिखाया गया। तो देखना जो हो वो देह का देखना होता है या आत्मा की पावर को आत्मा के हर्षितपने को देखना होता है? क्या देखना चाहिए? आत्मा को देखना चाहिए, लेकिन आदत क्या पड़ी हुई है तो देह को देखते हैं। अरे ये कैसा भाग्य चाहिए? अरे जब बता दिया कि कौन से कण में बाप आते हैं, पतित कानी कांटे वाले तन में आते हैं, तो पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब होगा वो कड़ा हिसाब किताब होगा या साधारण होगा? कड़ा हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन वो कड़ा हिसाब किताब होने के बावजूद भी कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक जाता है और फेल हो जाता है तो फिर भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे,
दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है विजय की। विजय से बढ़कर के और ज्यादा खुशी कोई होती नहीं है। जो विजयी होता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। और भक्ति मार्ग में दिखाया है कि दुनिया में एक ही पार्टधारी ऐसा है जिसकी सदैव विजय ही विजय हुई है, कभी भी हार हार नहीं हुई। एक इंद्रिय से या सभी इंद्रियों से सभी इंद्रियों से विजय ही विजय है। और विजय जब जिसकी होती है तो युद्ध किए बगैर विजय हो जाती है क्या? युद्ध तो करना पड़ेगी नहीं, युद्ध तो करना पड़ता है। सिर्फ एक इंद्रिय से ही युद्ध करना पड़ता है या सभी इंद्रियों से युद्ध करना पड़ता है? सभी इंद्रियों की बात पूजा होता है कोई भी ब्राह्मण लोग तो देव देवता और भगवान को पुकारता है। भगवान और देव 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 देवता उतारा माने आजकल ब्राह्मण जो है वो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं आवाहन करने के लिए, तो देवताएं ऊपर आते हैं क्या? आपने क्या देखा? आप दूसरों की बातें क्यों सुनते हैं? माने आपको विश्वास हो जाता है उनके बोलने से? अगर आपको विश्वास नहीं तो फिर पूछ रहे हैं। कुछ विश्वास हुआ है कि हाँ देवी देवताएं ब्राह्मणों के बुलाने से आ जाते हैं? बाबा ने सिर्फ पितरों का मिसाल दिया है कि जो अपने परिवार में बाप दादे परदादे जो शरीर छोड़ जाते थे, वो पहले जब ब्राह्मण सतो प्रधान होते थे और वो पितर भी सतो प्रधान होते थे, तो उनकी आत्माएं उन ब्राह्मणों में प्रवेश करके पांच बजा। माने पितरों का जब आह्वान किया जाता तो पितर तो आते थे, ये बात पक्की है। लेकिन क्या देवताएं भी आते थे? तो दुनिया में देवताएं हैं। अरे जो देवताएं थे वो ही अब कहाँ है? इसी दुनिया में तो है, तो आएंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे? उनके आह्वान करने की बात है। और भक्ति मार्ग में अगर ये माना गया है शास्त्रों में कि देव आत्माओं का आवाहन किया जाता था, तो कहाँ की बात है? ब्रह्मा बाबा को आवाहन करते हैं गुलजार दादी ने, तो वो आ जाती। गुलजार दादी खुदान खास्ता विलायत में चली जाती है, तो दूसरी दादी में सिक्कन दादी में सुंदरी दादी में आवाहन किया जाता है तो आ जाते। वो सतयुग की सोलह कला संपूर्ण बनने वाली देव आत्मा कहेंगे या अधूरी आत्मा है? उनका आवाहन किया जा सकता है। वो ब्राह्मण दुनिया की बात है जो उन्होंने भक्ति मार्ग में उठा ली है कि ये महाकाली आती है, ये दुर्गा आती है, ये धर्मराज आ गया, ये फलाना देवता आ गया। अरे जब देवताएं हैं ही नहीं इस दुनिया में तो आ कहां से गए? कोई भूत प्रेतात में प्रवेश कर जाती है और झूठ बोलती है कि हम फलाने देवी फलाने देवता है। उसको लोग सच्चा मान लेते हैं क्योंकि वो गहरी गहरी बातें बता ही सकती है, क्योंकि स्थूल शरीर का बंधन उनको है ही नहीं, तो समझ लेते हैं कि ये देवता नहीं। तो दुनिया में
कोई भी देवता नहीं है साकार रूप में। जो भी साकार रूपधारी है वो कोई भी अभी देवता नहीं बने हैं। टिकट आ जाता है पिता, पिता का पिता, उसका भी पिता, उसका भी पिता, वो मैं पितरों हनुमान को पवन पुत्र ज्ञान मार्ग में पवन पुत्र होगा, ज्ञान मार्ग में पवन पुत्र होगा, हाँ भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में पवन पुत्र होगा, पवन पुत्र, हाँ हाँ पवन पुत्र हनुमान को इसलिए कहा जाता है कि जो भी भूत प्रेत आत्माएं होती है वो हवा ही होती है या कोई दूसरा तत्व होती है, हवा ही होती है। तो हवा से पैदा जो होते हैं उनको पवन पुत्र कहा जाता है, और उनका प्रभाव कोई न कोई शरीर में प्रवेश होने के बाद होता है, तब कहा जाता है पवन पुत्र। माने भगवान का पार्ट एक है और जो भगवान का पार्ट है उसको ऊंची स्टेज में उड़ा ले जाने वाला कौन है, जो उसे इंस्पिरेट करता है उनके पुरुषार्थ करने के लिए, ब्रह्मवाली अपनी भक्ति मार्ग में दिखाया है कि हनुमान कंधे पर बैठा करके राम लक्ष्मण को उड़ा ले जाते। कहाँ की बातें हैं, अभी वर्तमान समय की बातें हैं, बाकी कोई हनुमान होता नहीं है जो पवन से पैदा होता हो, तो हवा बन गए खुद ब्रह्मा बाबा। इतनी हवाएं हैं, उन हवाओं में सबसे पावरफुल हवा किसकी है, ब्रह्म बड़मूला पेंगे जो नाम पड़ता है, बड़े से बड़ी जड़ है, बड़े से बड़ा फाउंडेशन डालने वाली है, उसमें विशेष रूप से प्रवेश करता है कोई पार्टदारी हनुमान भी है, जिनके लिए गाय हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, क्या पूरी पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई, अभी कहेंगे कि जो हनुमान का पार्टधारी है प्रैक्टिकल जीवन में उसकी विकारों की पूंछ में देह अभिमानी की पूछ में पूरी आग जलक गई, और जो भी जलने वाले थे काम आदमी में सब जल करके भस्म हो गई। दूसरे रूप में दिखाते हैं कपिल मुनि ने 60,000 पुरुषों को भस्म कर दिया, काय में भस्म कर दिया, काम आदमी में बंधु कर दिए, अलग अलग रूपों में कथा कहानियां बनाई हुई। तो अभी सारी पूछ में आग भी नहीं लगी है, काम आदमी अभी दुनिया में पूरे रूप में जली भी नहीं है, लेकिन जो मूल रूप में है लंका जहाँ रावण का राज्य है वो जल रही है, क्या काम आग्नि में जल रही है, सारी लंका जल गई, क्या डाला गया उसमें,
उसमें क्या डाला गया? कपड़े डाले गए। जितने भी नगर के अच्छे अच्छे कपड़े थे वो सारे कपड़े उसमें बांध दिए। तो दे अभिमानी की पूछ में सारे कपड़े, कपड़े मन शरीर रूपी वस्त्र, वो जो शरीर रूपी वस्त्रों की जो बुद्ध रूपी आत्मा है वो उसमें हिलक गई। इतना तो कपड़ा लगाया गया लंका की नगरी पर, दे अभिमान का कपड़ा, और इतना तेल डाला गया कि रहा न वसन नगर घृत तेला, पूरे नगर में जो योग का घृत है, याद का घृत खत्म हो गया। बाबा जी याद ही नहीं आती, अरे चेहरा भी नहीं याद आता, क्या कहेंगे? ग्रंथ खत्म हो गया या है? तेल ज्यादा काटली चीज कौन सी होती है? ग्रंथ ज्यादा काटली होता है और तेल उतना काटली नहीं होता है, वो उतनी पावरफुल चीज नहीं है। तो न घी बचा न तेल बचा, आग लगी तो सारी लंका जलने लगी। मैंने रावण का राज्य जिनके जिनके ऊपर था, जो रावण के राज्य के अंदर थे, अंदर भी कंट्रोल, पर राम के अंदर भी कंट्रोल नहीं थे, वो सब जल गए। अंत में क्या किया? ऊंच को ले जा करके सागर में डुबो दिया। उसका कुछ भी नहीं बगड़ा, ऊंच तो रही लेकिन कपड़े और तेल जल मर। तो विकारों के जलने की बात है या कोई आत्मा के जलने की बात है? विकार जल मर, देह हम जल गए, विकारों का भी बात है, देह अभिमान। रावण का चित्र बनाते हैं तो देह अभिमानी की यादगार क्या दिखाते हैं? गधा, वो गधे का पाठधारी कौन है? जिसका खास पाठ क्या बताया कि बार बार नहलाओ और बार बार कीचड़ में धूल में देह अभिमानी की धूल में लौट जाता है। इतना किया कराया सब बराबर, इतना जबरदस्त एडवांस ज्ञान सुनती है, सुनने में वो आत्मा फर्स्ट क्लास है, पहले सुनती है, फिर तो गुलजार दादी में जाके तो प्रवेश कर जाती है। जितने भी पार्ट डाले हैं शास्त्रों के, जो नाम दिखाए गए हैं, बल शरीर हारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, परंतु वो आत्माएं तो पार्ट बजाने वाली है, जो कोई न कोई शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। उनका नाम दिया गया पवन पुत्र, क्या पुत्र? पवन, हवा के वेग से उड़ने वाला। पांडव पंडा के पुत्र है पांडव, और जो भी द्रौपदी या कुंती या उत्तरा या जो भी शक्तियां दिखाई गई है वो पंडे के डायरेक्ट पुत्र नहीं है। क्या ये अंतर है?
पंडा कौन है? शिव बाप। अंत में जब डूबी जा होगी तो शक्तियों की पूजा होगी या एक बाप की पूजा होगी, वो अंतर हुआ या नहीं हुआ? की बात को बार बार सोचा जाता है, दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान थे और उन्होंने पांच उंगलियां जो दिखाई जाती है उनमें पावरफुल उंगलियों के द्वारा पहाड़ नहीं उठाया। कौन सी उंगली के द्वारा उठाया? जो सबसे कमजोर उंगली थी। क्या उंगली वाली सहयोगी? सहयोगी तो है, ऐसे भी नहीं, लंबे समय तक सहयोग देने वाली है। लेकिन रुद्रमाला के मंत्रों के बीच में वो पत्ता रूपी आत्मा बहुत हिलने वाली आत्मा है। कौन है? इस पत्ते पर कृष्ण को गर्भ के रूप में दिखाया गया है। इस गर्भ मैल में कृष्ण जैसी से आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है शुरुआत से, इसलिए वो पत्ते रूपी नवैया हल्की फुल्की होने पर भी, सबसे कमजोर हल्की फुल्की नवैया होने के बावजूद भी हिलती है ढुलती है लेकिन ढूंढती नहीं है। इतना कमजोर पत्ता है। आसुरी बच्चे उसको अच्छी तरह से हिलाते हिलाते हैं, दुनिया समझती है कि डूब गई खलास हो गई। अब एडवांस पार्टी में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बाप जानते हैं। बाप ने घोषणा की हुई है कि वो नैया हिलेगी उलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और वो नैया रूपी पत्ता जितने भी और नैयाएं हैं एडवांस पार्टी में नवैया जिनका आधार लिया जाता है, विषय वैतरणी यदि प्राप्त करने के लिए, विषय सागर को पार करने के लिए, वो सारी नवैया जगदम्बा को फॉलो करने वाली है, वो फॉलो करने वाली है जगदम्बा को फॉलो करने वाली। लेकिन वो फॉलो करने वाली नवैयों के लिए ये गाय नहीं है। क्या हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब जाने कितनी डूब गई, सरेंडर हो जाती है और फिर बाद में क्या होता है, डूब जाती है। लेकिन उसके लिए गायन है, लेकिन वो
कितनी भी कमजोर हिलने जुलने वाली हल्की फुल्की नवैया है लेकिन झूमेगी नहीं। वो सबसे छोटी उंगली है। पांच पांडवों का जब मिसाल देते हैं तो कितनी उंगलियां दिखाते हैं? पांच पांडव पांच उंगलियां दिखाते हैं। मैंने पांच कैटेगरी की आत्माएं हैं राइटियस क्या? एक लगते थे वो ऐसी उंगली है जो सारी दुनिया को संगठे पर चलाती है, किसी की परवाह नहीं करती। दूसरी उंगली है तर्जनी, क्या इसको सावधान करते नहीं है? तर्जना देवी ऐसे उसको दंड दे दिया। तो बात के रूप में पाठ बजाने वाली अलग उंगली और धर्मराज के रूप में तर्जना देने वाली अलग उंगली। एक है बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला, बाप है प्रेसिडेंट और फिर बाप अकेला नहीं है उसके साथ कौन है? धर्मराज जी। सबसे बड़ी उंगली देखने की बात नहीं, मोदी है पांडवों में सबसे लंबा चौड़ा बड़ा किसको दिखाया गया? भीम दिए। उसकी जब बांधेंगे तो पहले पहले जब मुट्ठी खोलने की बात आती है तो कौन सी उंगली को खोलने में ज्यादा ताकत लगानी पड़े? मध्यमा। जो भीम है वो मध्यम का पांडव है या नीचे ऊपर वाला है? बीच वाला पांडव है, ना बड़ा है और ना छोटा है। इसको दिखाते अनामिका, जन्म दिया इसका नाम, बाप ने इसका नाम निशान उड़ा दिया। इतने दूर हो गए ना, बड़े बड़े धर्माचारी शंकराचारी जो जन्म जन्मांतर पवित्र रहे, बाप आकर क्या करते हैं उनको? उनका नाम निशान उड़ाए देते हैं या उनको महत्व देते हैं? उड़ाए देते हैं। उनका कोई नाम नहीं, कोई कुल नहीं, ना कुल, न इस कुल के न उस कुल के, अनामिका नाम दिया है। जैसे बाबा बोलते हैं क्या, तुम बच्चे हो अननोन वॉरियर बट वेरी वेल नोन, क्या तुम दुनिया में विख्यात नहीं हो लेकिन ऐसा भी समय दुनिया में आ जाएगा कि तुम दुनिया में सबसे जास्ती विख्यात हो जाएगा। ये अंडरग्राउंड मिलिट्री है, ऐसे ही ये सन्यासी है जिनके लिए बोला है कि जब ये बड़े बड़े सन्यासी ज्ञान में निकलेंगे
तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ये गंगा और गंगा के फॉलोअर है। अभी तक जितना भी एडवांस ज्ञान फैला वो दक्षिण भारत के विदेशियों के बीच में फैल रहा है या उत्तर भारत के जो बड़े बड़े धर्माचारी है उनके बीच में फैल रहा है। उत्तर भारत के बीच में फैल रहा है जो बेचारी भाषा भी नहीं जानते, ये बड़े बड़े अननोन वॉरियर ये भी निकलेंगे। और जब ये निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी।